सरगोधा में इंटर डिवीजन पंजाब गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में गर्ल्स मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। देखते हैं सैफ खान की रिपोर्ट। सरगोधा डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिस में सजा इंटर डिवीजन पंजाब गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मैदान, जिसमें पंजाब भर से 100 से ज्यादा गर्ल्स ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपने अपनी हरीफ को जेर करने के लिए महारत से दाव पेच का खूब इस्तेमाल किया। शानदार खेल पेश करने पर शायकीन ने दाद देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी उमायमा शरीफ ने सरगोधा में इस इवेंट के इनेकाद को सराहा। मैंने अभी मेडल विन किया है और गर्ल्स के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे सरगोधा में पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज किया गया, और इससे गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो उनको एक्सपोजर मिलता है, अपने टैलेंट को एनहांस करती हैं, उनके स्किल लर्न करती हैं। शायकीन के साथ साथ खिलाड़ियों की तरबियत करने वाली कोचेज ने इस किस्म के इवेंट्स के इनेकाद और बच्चों को दिफाई खेलों की तरबियत देने की जरूरत पर जोर दिया। सरगोधा में अंडर 13 जो इवेंट हो रहे हैं, इसमें काफ़ी तादाद में बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, और ग्रास रूट लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स देने की ज़रूरत है इनको, ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनको एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दे सकें। ताइक्वांडो चैंपियनशिप के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कमिश्नर सरगोधा मरियम खान ने जीतने वाली खिलाड़ियों में मेडल और इनामात तकसीम किए। सैफ खान, डॉन न्यूज़, सरगोधा।